डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, आज आतंकवाद एक ऐसी वैश्विक समस्या का रूप धारण कर चुका है जिसकी आग में सारा विश्व जल रहा है। आज कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और यह आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त है। सच तो यह है कि आज यह कोई नहीं जानता कि आतंकवाद का अगला निशाना कौन और किस रूप में होगा। हिंसा के द्वारा जनमानस में भय या आतंक पैदा कर अपने उद्देश्यों को पूरा करना ही आतंकवाद है। यह उद्देश्य राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक ही नहीं, सामाजिक या अन्य किसी प्रकार का भी हो सकता है। वैसे तो आतंकवाद के कई प्रकार हैं, किंतु इनमें से 3 ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया त्रस्त है: राजनीतिक आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता एवं गैर राजनीतिक या सामाजिक आतंकवाद। श्रीलंका में लिट्टे समर्थकों एवं अफगानिस्तान में तालिबानी संगठनों की गतिविधियां राजनीतिक आतंकवाद के उदाहरण हैं। जम्मू कश्मीर एवं असम में अलगाववादी गुटों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य भी राजनीतिक आतंकवाद के ही उदाहरण हैं। अलकायदा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन धार्मिक कट्टरता की भावना से आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते हैं। अतः ऐसे आतंकवाद को धार्मिक कट्टरता की श्रेणी में रखा जाता है। अपनी सामाजिक स्थिति या अन्य कारणों से उत्पन्न सामाजिक क्रांतिकारी विद्रोह को गैर राजनीतिक आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में नक्सलवाद गैर राजनीतिक आतंकवाद का उदाहरण है। आतंकवादी हमेशा आतंक फैलाने के नए नए तरीके आजमाते रहते हैं। भीड़ भरे स्थानों, रेल, बसों इत्यादि में बम विस्फोट करना, रेलवे दुर्घटना करवाने के लिए रेलवे लाइनों की पटरियां उखाड़ देना, वायु यानों का अपहरण कर लेना, निर्दोष लोगों या राजनीतिज्ञों को बंदी बना लेना, बैंक डकैतियां करना इत्यादि कुछ ऐसी आतंकवादी गतिविधियां हैं जिनसे पूरा विश्व पिछले कुछ दशकों से त्रस्त है। आज लगभग पूरा विश्व आतंकवाद की चपेट में है और किसी न किसी तरह इससे पीड़ित है। पिछले एक दशक में पूरे विश्व में आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ आतंकी हमला आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है। हाल ही में दिसंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के एक कैंपस में ग्राहकों को बंदी बनाना और पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित एक आर्मी स्कूल में लगभग 150 मासूम बच्चों को निर्ममता पूर्वक मौत के घाट उतारना, जनवरी 2015 में फ्रांस में शार्ली अब्दो के कार्यालय पर हमला कर पत्रकारों की हत्या करना व नाइजीरिया में व्यापक पैमाने पर कत्लेआम करना तथा सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए भारत जैसे देशों में आईएस द्वारा अपने नेटवर्क का विस्तार करना, पत्रकारों को बंधक बनाकर उनके कत्ल का वीडियो सार्वजनिक करना आदि कुछ ऐसी भयानक वारदातें हैं जो आतंकवाद के घिनौने रूप को प्रकट करती हैं। सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि बीते समय में जिन ताकतों या देशों ने
अपने स्वार्थ के कारण किसी न किसी रूप में आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया। आज वे भी आतंकवाद से लड़ने में कमजोर पड़ गए हैं, अर्थात आतंकवादी संगठनों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और वे एक के बाद एक आतंकी घटनाओं द्वारा इसका परिचय दे रहे हैं। पाई पेराचेंज, वैसे तो आज लगभग पूरा विश्व ही आतंकवाद की चपेट में है, किंतु भारत दुनिया भर में आतंकवाद से सर्वाधिक त्रस्त देशों में से एक है। इसका प्रमुख कारण भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान में आरंभ से ही जम्मू कश्मीर राज्य विवाद का मुद्दा रहा है और दोनों ही देश इस पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। पाकिस्तान कश्मीर को हथियाने के लिए अब तक 3 बड़े युद्ध कर चुका है और आए दिन सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करता रहता है, लेकिन अभी तक उसके हाथ असफलता ही लगी है। इसीलिए उसने भारत को आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकवाद का सहारा लेना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह निकला है कि यदा कदा भारत आतंकी हमलों का निशाना बनता रहता है। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुई श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट, 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हुआ हमला, 7 मार्च 2006 को हुआ वाराणसी बम धमाका, 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुआ बम विस्फोट, 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल पर हमला आदि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो भारत को आतंकवाद पीड़ित देश घोषित करती है। इन बड़ी घटनाओं के अतिरिक्त आतंकवादी भारत में अनेक छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। भारत में नक्सलवाद भी अब आतंकवाद का रूप ले चुका है। पहले नक्सलवाद का उद्देश्य अपने वास्तविक हक की लड़ाई थी, किंतु अब यह बहुत ही हिंसक विद्रोह के रूप में देश के लिए एक गंभीर समस्या एवं चुनौती बन चुका है। प्रारंभ में यह विद्रोह पश्चिम बंगाल तक सीमित था, किंतु धीरे धीरे यह ओडिशा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी फैला गया। वैसे तो आतंकवाद के प्रमुख कारण राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता लोलुपता एवं धार्मिक कट्टरता है, किंतु नक्सलवाद जैसी विद्रोही गतिविधियों के सामाजिक कारण भी हैं, जिनमें बेरोजगारी एवं गरीबी प्रमुख हैं। विश्व के अधिकतर आतंकवादी संगठन युवाओं की गरीबी एवं बेरोजगारी का लाभ उठाकर ही उन्हें आतंकवाद के अंधे कुएं में कूदने के लिए उकसाने में सफल रहते हैं। आतंकवाद के कुपरिणाम स्वरूप अब तक दुनिया के कई राजनयिकों सहित मासूमों एवं निर्दोष लोगों की जाने जा चुकी हैं तथा लाखों लोग विकलांग एवं अनाथ बन चुके हैं। आतंकवाद के संदर्भ में सर्वाधिक बुरी बात यह है कि कोई नहीं जानता कि आतंकवादियों का अगला निशाना कौन रहेगा। इसलिए आतंकवाद ने आज लोगों के जीवन को असुरक्षित बना दिया है। यह मानव जाति के लिए कलंक बन चुका है। आतंकवाद की समस्या का सही समाधान यही हो सकता है कि जिन कारणों से इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। इसमें पिछड़े इलाके के युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराने जैसे
कदम अत्यधिक कारगर साबित होंगे। भारत में कुछ इलाकों में लोग अपने हक के लिए भी नक्सलवाद का सहारा ले रहे हैं। ऐसे इलाकों की पहचान कर उन्हें उनका अधिकार प्रदान करना अधिक उचित होगा। स्टॉप।